जय हो जय हो। वाह भैया वाह, साथियों आज विख्यात लहर म्यूजिक वर्ल्ड और उसी स्टूडियो के प्रबंधक आप हमारे आदरणीय बहुत ही अजीज भाई अजय यादव जी की देखरेख में जिनकी व्यवस्था में आज के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो रही है। और आज का विषय कोई ऐसा मनोरंजन का साधन नहीं, कोई मनोरंजन का गीत बिरहा नहीं, बल्कि एक किसी परिवार का दुख है, दर्द है, वेदना है बाबूजी। जैसा कि स्वर्गीय विद्यावती यादव जी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं, अपने हरे भरे परिवार, अपने गोद में पले हुए बच्चे, सबकी मोह माया को त्याग कर बाबूजी इस धरा से विदा हो जाती है। मैं लोक गीत विरह गायक सीताराम यादव पूरी पार्टी के साथ में अश्रुपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करते हैं, उन मालिक से प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय विद्यावती यादव जी के आत्मा को मालिक शांति दे, स्वर्ग में उच्च स्थान मिले। तो आज उनकी श्रद्धांजलि बिरहा जीवनी के रूप में आप सबके बीच में भेज रहे हैं। तो मास्टर कबीर जी चार लाइन भूमिका में संकेत किए, क्या आंचल अरे आंचल में है जिसके ममता कमोती, सजी पुष्पों के रंग में तस्वीर जिसकी, सोला कभी तो कभी बनती शबनम, कांटों के संग सोई तकदीर जिसकी, आंसू छलकते मिले हर नजर में, सपनों की दुनिया जलाई गई, रो दिए मेदनी आसमां चीख कर, अर्थी विद्यावती की उठाई गई। साथियों रो दिए मेदनी आसमां चीख कर, अर्थी विद्यावती की उठाई गई। तो एक लाइन गजल का टुकड़ा बा मास्टर का बा, यह लाइन बा, अरे प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, मिलने के बहाने आजा।
कवि जी भाव अपनी कलम के माध्यम से दर्शाए हैं। बस यही सिकवा है दुनिया को बनाने वाले, बस यही सिकवा है दुनिया को बनाने वाले, बस यही सिकवा है दुनिया को बनाने वाले। उजाड़े गुलशन क्यों गुलशन को सजाने वाले, उजाड़े गुलशन दुनिया के मालिक से कहना हुआ कि मालिक बस यही सिकवा है दुनिया को बनाने वाले, उजाड़े गुलशन क्यों गुलशन को सजाने वाले। नजम के लाइन बा मास्टर काबा, भूल सकता है कौन, भूल सकता है कौन नारी की कहानी को, आंचल के दूध आंखों से भरे उस पानी को। समर्पित जीवन जिसका आसियां सजाने में, कभी चंडी तो कभी अबला है जमाने में। एक बात कहां से मिलेगी बाबूजी गौर करेंगे, थाना मऊआई माँ, थाना मऊआई माँ प्रयागराज जिला है, छोटे लाल यादव के घर में साज खिला है। मुन्ना और रमेश पुत्र बन करके आए हैं, आशा विद्यावती दो बेटियों को पाए हैं। विद्यावती की हुई पूरी पढ़ाई है, विद्यावती की हुई पूरी पढ़ाई है, दिनेश यादव के संग ब्याह को रचाई है। विद्यावती की हुई पूरी पढ़ाई है, दिनेश यादव के संग तय हुई सगाई है। इस दुख भरी दास्तां को समझ ले बाबूजी, कहानी पर गौर करेंगे। हरि का पुरवा तिलई बाजार पोस्ट धेनुपुर जिला प्रयागराज के रहने वाले छोटे लाल यादव जी, जिनकी धर्म पत्नी का नाम बाबूजी संवारी देवी, जिनके दो पुत्र रत्न प्राप्त हुए, दो पुत्री का जन्म होता है, मुन्ना लाल यादव रमेश यादव दो बेटे और आशा यादव विद्यावती यादव दो बेटियां हैं। विद्यावती बड़ी होनहार विद्या में पारंगत, 12वीं तक पढ़ाई पूर्ण करती है और जब विवाह के योग होती है तो बाबूजी छोटे लाल यादव जी ग्राम सिंधुआ इमली डांड पोस्ट लच्छीपुर थाना रानीगंज जिला प्रतापगढ़ में हनुमान प्रसाद यादव के पुत्र दिनेश कुमार यादव के साथ रिश्ता तय कर देते हैं। 3 मई 2005 दिनेश और विद्यावती का विवाह होता है बाबूजी, और विद्यावती दुल्हन बन के अपने ससुराल में आ गई। पास पड़ोस के लोग खुशहाल हैं, खुशियां बरस रही है, तो बाबूजी होता है क्या, वह गीत के लाइन बा। मनवत सपना साकार हो गइल,
सिंधुर से मागौ जियार होइगा सिंधुर से मागौ मनवा भवरा का मचले गुलाब देख के गुलाब देख मनवा भवरा का मचले गुलाब देख के घेरलस घटा बरसे प्रेम के बदरिया जन्म है तीन पुत्र महक फूलवरिया सुंदर संजोग लाजवाब देख के सुंदर संजोग लाजवाब देख के मनवा भवरा का मचले गुलाब देख के मनवा भवरा के मचले गुलाब देख के ऐसी अपार खुशी है बाबू जी। तमाम नात रिश्तेदार दूर दराज से चल के आए दरवाजे पर, उस खुशी के अवसर पर सब शामिल हुए, लोगों में खुशियां बरस रही है। गीत लगल मास्टर का बा कि अरे तीनों लालन से आंगन समय बीतता गया, धीरे धीरे मालिक को मंजूर हुआ विद्यावती के गर्भ से बाबूजी तीन संतान की उत्पत्ति हुई। कि तीनों लालन से आंगन अरे गुलजार भइले तीनों लालन से तीन बेटों का जन्म हुआ, आयुष अवनीश और अखिलेश। आयुष अवनीश अखिलेश के जन्मवा लेकिन बाबूजी समय बलवान होता है, ईश्वर को मंजूर नहीं, असमय अवनीश छोड़ी गई ले जहनावा बेटे आयुष अवनीश और अखिलेश। लेकिन मालिक को मंजूर नहीं, जो विधाता को मंजूर है वही तो होने वाला है। असमय अवनीश अपनी माँ को आंचल को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए बाबूजी। अवनीश
अपने घर परिवार को छोड़कर इस दुनिया से बेटा चल दिया। दिनेश अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ महाराष्ट्र की पावन धरती में समय बिताते थे, जीवन यापन करते थे, अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन अचानक विधाता की नजर टेढ़ी हो जाती है। विद्यावती को बुखार हुआ, बुखार से पीड़ित हो जाती हैं। इलाज शुरू होता है। 23 नवंबर 2022 को बुखार पकड़ता है। बाबूजी तो हुआ क्या? क्या तेईस नवंबर के बुधवार दिनावा हो, बुधवार दिनावा हो, भैले बुखार बड़ी यार दी। इष्ट वाडाला बंजा रा हॉस्पिटलावा में शुरू भैला उपचार के महास्पी जचिया करवाले हो, जचिया करवाले हो, इन्फेक्शन कैले बालचार। डॉक्टर निराशा भैले, सफल नकाज भैले, सफल नकाज भैले, सुगना हो गईले फरार। बाबूजी बंजारा हॉस्पिटल में विद्यावती को भर्ती कराया गया। डॉक्टर साहब हालात को देखकर रिफर कर दिए और केम हॉस्पिटल में बहुत जल्द ले गए। डॉक्टर साहब जांच करने की तैयारी किए, लाख कोशिश करने के बाद भी डॉक्टर साहब केम हॉस्पिटल में नहीं बचा पाए। विद्यावती इस संसार को छोड़कर चली जाती हैं और किडनी में इंफेक्शन होने के कारण डॉक्टर प्रयास किए लेकिन जान नहीं बचा पाए। आखिरकार बाबू वही हुआ जो मालिक को मंजूर था, विद्यावती संसार को छोड़कर चली गई। टेरी के लाइन मास्टर, जीवन का पन्ना पूरा हो गया, जीवन का पन्ना पूरा हो गया, घेरा काल रह गया, दिल का ख्वाब अधूरा। घेरा काल रह गया, दिल का ख्वाब अधूरा, जीवन का पन्ना पूरा हो गया। मास्टर लड़का के अंदाज में कहना बा, विधि के आगे चला न जोर, अरे काल बेदर्दी बना कठोर, माई गईलू कौनी ओर, रोवई दुई नवला लाना, माई गईलू कौनी ओर। एम्बुलेंस तुरंत मंगवाए, अरे लाश गंवा में पहुंचाए, आंसु नर नारी बहाए, देखी दुखद घटना, आंसु नर नारी बहाए। अधीर मन में हुए दिनेश, रो वही आयुष्यो अखिलेश, मम्मी गईलू कौने देश, अब ना होई है मिलाना, मम्मी गईलू कौने देश। बाबूजी परिवार के लोग सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं दरवाजे पर, भीड़ उमड़ जाती है। बहिया घर वालों कई टूटी, अरे ठग वाली हस गठरिया लूटी, आज किस्मत गईली फूटी, रूठी गईले विधाना, आज I'm gonna get it.
नात रिश्तेदार पास पड़ोस गांव के लोग सबको खबर मिली। दरवाजे पर भीड़ उमड़ गई बाबूजी। लोग सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भगवान ने क्या हो गया। दो नन्हे मुन्हे बच्चे आंख में आंसू लेकर मैया को निहार कर रो रहे हैं कि माँ हम अभागे बच्चों को छोड़कर कहाँ चली गई माँ। रो रहे हैं वह गीत मास्टर काबा अरे सबही के चोरी से औपड़ी बड़ जोरी से सबही के चोरी से औपड़ी बड़ जोरी से औड़ी गया सुगनवा नहीं जान कौनी ओरी से रोवई घर वाले ठेस उर में लागल भारी कौने कारण गईलू हमके माई बिसारी नहिया के डोरी से घर के तिजोरी से नहिया के डोरी से घर के तिजोरी से उड़ी गवा सुगनवा बाबू जान कौनी ओरी से परिवार के लोग रो रहे हैं। दरवाजे पर आई हुई भीड़ सबके आंखों से आंसुओं की धार बह रही है बाबूजी। सब लोग चिल्ला रहे हैं रोवई घर वाले ठेस उर में लागल भारी कौने कारण गईलू हमके बिसारी नहिया के डोरी से घर के तिजोरी से उड़ गया सुगनवा बाबू न जानी कौनी ओरी से गीत लगल मास्टर का बच्चे रो रहे हैं रोवई दुई नऊ ललना हो रोवई दुई नऊ ललना हो कवन कारण मम्मी गईलू भूल रोवई दुई नऊ ललना माँ की ममता मिली कहारों वहीं आयुष अखिले सये बाबू तो के हीरा छोड़ी के गईलू तुनौ सुगना हो तोहरे बिन कल पई गोदी के फूल रोई तुनौ ललना हो पई गोदी के फूल
दोनों नयन के तारे, दोनों बच्चे रो रहे हैं बाबूजी। सब लोग सांत्वना दे रहे हैं कि बेटा अपने आप को संभाल लो, बेटा आपकी मम्मी इस दुनिया से चली गई है। लेकिन बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बाबूजी पापट के लाइन में, कहना बा क्या कि अरे डाले विधना विपदा बड़ी कठोर ओर भय जीवन के, अरे डाले विधना विपदा बड़ी कठोर ओर भय जीवन के, सब ही रो वही बहाई नयन से लोर ओर भय जीवन के। सभी लोग रो रहे हैं बाबूजी। छोटे लाल संवारी देवी विद्यावती के माता पिता रो रहे हैं कि बिटिया तू कहां चली गई, अपने माता पिता को छोड़कर। भाई मुन्ना यादव, रमेश यादव, आशा यादव विद्यावती की बहन रो रही है। छोटे लाल संवारी रोवे विपद निर्दयी घेरी हो, बड़का यौ हनुमान भी रोवे उजड़ी दुनिया मेरी हो, अरे बनायाई फिर से स्वरण भोर ओर भय जीवन के, तोड़ दिए विधना नाता के डोर ओर भय जीवन के। बड़का देवी हनुमान जी यादव रो रहे हैं बाबूजी, अपनी बहू की लाश को देखते हुए आंखों में आंसू नहीं थम रहे हैं। लाचार होकर सभी पास पड़ोस नात रिश्तेदार लोग सब रो रहे हैं कि भगवान आप ये क्या कर दिए। आल्हा के लाइन में बाबूजी कहना है, क्या कहना है कि अरे आवे के बहाना खोजे जाली मऊतिया बाबू, आवे के बहाना खोजे जाली मऊतिया बाबा, आवे के बहाना खोजे जाली मऊतिया बाबा। वो तो समैया पूरा पारती है वार,
दरवाजों पर लोगों का तांता लगा हुआ है, सभी लोगों के आंख से आंसुओं की धार बह रही है। बाबू दिनेश कुमार के बड़े भाई राजेश कुमार यादव जी, जिनकी धर्म पत्नी सुमन यादव आंख में आंसू लेकर रो रही हैं, मालिक को याद करती हैं कि भगवान क्या हो गया। रमेश मुलायम के छल के नजरिया भैया, साधना दुखी तो दुख घेरा लसिया पार, साधना दुखी तो रिया ने हनी पूरी पूगम गिन भैले भैया, रेखा बिंदु रो मई भाभी गैलू हो विसार, बगल में खड़े होकर बाबूजी आज आंख में आंसू लेकर रो रहे हैं दिनेश के जीजाजी। ललिता प्रसाद राम पूजन भी बिलखे भैया, सिरे पे विपत्तिया काहे डाला करतार, सर पे विपत्तिया उठल सभी के अखियों से बहे जलधार। बाबू दरवाजे पर कितना दर्दनाक दृश्य है, लोग रो रहे हैं। जिस समय विद्यावती की लाश को उठाई गई, उनकी अर्थी को उठाई गई, दोनों बेटे तड़प उठे बाबूजी, रो रहे हैं कि माँ नहीं मम्मी, आप हम बच्चों को छोड़कर नहीं जाएंगी। बच्चे रो रहे हैं, आखिरी लाइन खड़ी में संकेत करना पड़ा। अरे आई उस अखिलेश्वरों अश्रु बहाई जननी, तकवन कारण गैलू लालन के भुलाई जननी, अखिलेश रोमय अश्रु बहाई जननी, कौने कारण गैलू लालन के भुलाई जननी, भुलाई जननी कहां गैलू सीता अपने लव कुश के छोड़ के, तन पे उजला कफन अपने ओढ़ के, कवन कारण गैलू लालन के भुलाई जननी।
मनी के नैया फसल आई बीचे धारा दई के जन्म कई दिहलू किनारा अरे अंगुरी पकड़ी के रही आके देखाई जननी तो कवने कारण गईलू लालन के भुलाई जन अंगुरी पकड़ के रहिया के दिखाई जननी कौने कारण गईलू लालन के भुलाई जननी। विद्यावती की श्रद्धांजलि बिरहा जीवनी के रूप में आप सबके बीच में प्रस्तुत हुई। आत्मा के शांति के लिए मालिक से फरियाद करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, स्वर्ग में उन्हें उच्च स्थान प्राप्त हो। गुरु बिहारी गुरु गणेश कहे नयन से अश्रु बहाकर कथन करे कवि भारती आदो श्रद्धा सुमन चढ़ा कर हो जीवन का पन्ना पूरा हो गया जीवन का पन्ना पूरा हो गया सीताराम कहीं तेज समय का छूरा जीवन का पन्ना पूरा हो गया।